Hi and Assalamualaikum. This is Maria Kokab, your math mentor. Welcome to my YouTube channel, Math Breaker. Students, I have this question: z plus 1 over z whole square minus z minus 1 over z whole square is equal to 4. You have to show this expression is equal to 4. This is the very important question. I took this question from exercise 1.2. This is the 16th question of exercise 1.2. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूं कि मैं जो भी क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन आपको शेयर करती हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बीइंग अ टीचर आई गिव यू द फॉलो अप. यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व होल एक्सरसाइजेस बाय योरसेल्फ सो दैट सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन मैं आपको शेयर करती हूँ. सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूरी एक्सरसाइज में से पिक करती हूँ. तो इस बात की मुझे खुशी होगी कि आप बाकी सारी एक्सरसाइजेस को मेरे फॉलो अप से सॉल्व करें. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन टाइप इट ऑन द कमेंट सेक्शन. आई विल कंसीडर इट फर्स्ट. तो आप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन को मैं 4 डिफरेंट एक्साइटिंग वे से सॉल्व करने वाली हूँ. फर्स्ट वे वही मेथड है जिसको आपके यूजुअली टीचर क्लास में सॉल्व करते हैं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है. तो 4 मार्क डेफिनेटली आपको स्टेप्स को सॉल्व करने के ही मिलते हैं. हर एक स्टेप को सॉल्व करने के मार्क होते हैं. तो इस वजह से फर्स्ट मेथड जो मैं अप्लाई करूंगी वो स्टेप्स की बेस पे ही होगा. तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज यूज होंगी. तो पहले आइडेंटिटी लिखते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और माइनस की आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ जो स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं वो मिस्टेक क्या होती है कि हम जस्ट इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं और आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं. लेकिन अगर आपको 4 मार्क चाहिए तो आपको इन आइडेंटिटीज को मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू मस्ट हैव टू राइट आइडेंटिटी इन. यहाँ अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर को. तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. z स्क्वायर प्लस है तो प्रोडक्ट टर्म के साथ प्लस होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट होगी यहाँ जी स्क्वायर माइनस 2z 1 ओवर जी प्लस 1 ओवर जी होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं अब इसे. जी स्क्वायर माइनस ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएंगे प्लस 1 ओवर जी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व भी करते हैं और साथ माइनस को मल्टीप्लाई भी करते हैं विद द साइन. जी स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस एंड माइनस बिकम माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर. यहाँ अब हमारे पास क्या होगा जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर जी स्क्वायर 1 ओवर जी स्क्वायर कैंसिल होने के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा. यानी हमारे पास दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4 शो हो गया. हैंस प्रूव्ड. सेकेंड मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स अ मेथड. तो आप एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ मैं मुख्तलिफ मेथड्स को शेयर करने वाली हूँ. तो इस वजह से मुझे आपके साथ मेथड्स को शेयर करना है. आप इस मेथड को मुझे पता है कि आप इस मेथड को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाले. तो सॉल्व कर लेते हैं इसे. यहाँ आपके पास फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सबट्रैक्शन आ रही है. तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन रूल्स को अप्लाई करेंगे. जी फ्रैक्शन में आपको पता है कि जी डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई होगा जी के साथ प्लस यहाँ जी ऑलरेडी है तो यहाँ वन हो जाएगा माइनस जी मल्टीप्लाई जी माइनस वन इंटू डिवाइडेड बाई जी, यहाँ जी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई जी माइनस जी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई जी। यहाँ अगेन हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सप्लाई होगी, ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं लिख रही। तो यहाँ अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा जी 4 प्लस 2जी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर जी 4 माइनस 2जी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन हम रूल अप्लाई करते हैं, जी स्क्वायर बेस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जी स्क्वायर आने के बाद दोनों में जी स्क्वायर मौजूद है तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। जी फोर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और 4 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। Third and fourth method are quite so easy as compared to these two methods, और उसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं और बट कीप रिमेंबर कि वो दोनों ही मेथड आइडेंटिटी बेस होंगे। थर्ड मेथड में कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, यू हैव ए इक्वल टू जी प्लस 1/जी एंड बी इज इक्वल टू जी माइनस 1/जी। यू हैव टू पुट ए बी इन दिस फॉर्मूला, ए की जगह पे जी प्लस 1/जी होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे जी माइनस 1/जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे जी प्लस 1/जी माइनस जी माइनस 1/जी ए प्लस बी जी प्लस 1/जी प्लस यहाँ प्लस होगा जी माइनस 1/जी। इसके बाद हम इसको कैंसिल करते हैं, जी और जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/जी कैंसिल होने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 1 and 1 2/जी और यहाँ पे 2g हो जाएगा, g से कैंसिल होके 4। Guys, this is another way to solve this question. So fourth one is you can say it's a trick or you can say it's a method. तो फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं। फोर्थ मेथड पे हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने लगे हैं, इट्स अ ड्राइव्ड आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। गाइस यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ हम लेंगे जी और बी की वैल्यू हम लेंगे 1/जी। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा जी प्लस 1/जी होल स्क्वायर माइनस जी माइनस 1/जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4g इंटू 1/g होल स्क्वायर, वी हैव 4। लेकिन गाइस यहाँ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि अगर मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, अगर तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हुआ तो आप फर्स्ट 3 मेथड में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का पार्ट हुआ या फिर ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हुआ। तो आप फिर फोर्थ मेथड को फोर्थ वे के साथ चल सकते हैं। चेक आउट दिस DIY 3x plus 1 over 2x whole square minus 3x minus 1 over 2x whole square। फोर्थ वे को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लाजमी दीजिएगा। Hope you guys enjoyed this video. If yes, then click on the like button and share my video with your friend. See you with the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.